आप सभी का स्वागत है एंजल के ट्विस्ट एंड टेस्टी कुकिंग होम में। आज हम बनाएंगे ये टेस्टी मज़ेदार तीखा चटपटा सा पोहा। देखिए, देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। बनाने में तो बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहे को इस तरह से पानी से एक बार वॉश कर लिया है। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे आप इस साइड में रख दीजिए इसी तरह। तो अब मैंने एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया सरसों दाना। सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। और देखिए, हमारी जो सरसों है वो अच्छे से चटक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 2 चम्मच के करीब मूंगफली, और इसे हम करेंगे हल्का सा रोस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये चने की दाल, इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक चने की दाल अच्छी क्रंची नहीं हो जाती तब तक। तो देखिए, ऐसे चलाते हुए हम इन्हें भून कर लेंगे। लगभग 1-1.5 मिनट में ये अच्छे से भून कर तैयार हो जाती हैं। पर आपको जो फ्लेम है वो लो रखनी है, तो ये जलेंगी नहीं और अच्छे से क्रंची होंगी। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए है ये 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च। इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हमारे जो ऑनियन है वो हल्के से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। तो बस मैंने इसमें ऐड कर दिए ये छोटे बारीक कटे हुए आलू, और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक, ताकि जो हमारे आलू हैं जल्दी से पक जाएं। तो इसी तरह से हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे और इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हल्दी, ये 1/4 टीस्पून हल्दी मैंने ऐड कर दिया इसमें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 1 से 1.25 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिल्ली पाउडर का भी यूज़ किया है तो रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे। तो इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे, और बीच बीच में हम इस तरह से चेक कर लेंगे हमारे आलू गले हैं या नहीं। मुझे अभी आलू में थोड़ी सी कसर लग रही है, मतलब अभी तक आलू अच्छे से पके नहीं हैं, तो मैं इसे थोड़ी देर और ऐसे ही चलाते हुए पका लूँगी। तो अब देखिए, हमारे जो आलू हैं वो पक चुके हैं। अब हम अपना पोहा देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पोहा है फूल के एकदम तैयार हो चुका है। तो वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, जब तक आपके आलू अच्छे से पके नहीं आप तब तक पोहा मत ऐड कीजिएगा। तो अब मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नींबू का रस। यहाँ पे 1 नींबू का रस ऐड किया मैंने। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश धनिया पत्ती। इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इन्हें कर लेंगे सर्व। ये हमारा पोहा जो है वो बनकर तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपको इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।